हेलो एवरीवन, आपका रमन शर्मा आपके सामने है और दिल से आपका रमन इंग्लिश गुरु के ऊपर स्वागत है। मैं आज आपको टीच करने वाला हूँ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे इंटरेस्टिंग बात, कैसे सीखें इंग्लिश। तो अगर इंग्लिश सीखनी है तो उससे पहले एक सवाल है कि इंग्लिश सीखनी क्यों है। सबसे अच्छी बात है कि सर सीखनी ही क्यों है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। इंग्लिश एक विंडो ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज है। आप किसी भी कंट्री में ट्रेवल करो, वहां की लैंग्वेज के साथ आपको इंग्लिश मिलेगा। आप चाइना जा रहे हो, आप जापान जा रहे हो, आप बैंकॉक जा रहे हो, आप कहीं पर भी जा रहे हो, दुबई तक जा रहे हो, उनकी अपनी लैंग्वेज में जो भी कुछ लिखा होगा उसके साथ इंग्लिश में नीचे भी तो लिखा होगा। तो इंग्लिश एक विंडो ऑफ द वर्ल्ड है। आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, अपने आप को एक लेवल अप कर सकते हो, ये एक लैंग्वेज है। और मैं आपको सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, इंग्लिश एक वर्क लैंग्वेज है। आप अपनी कभी भी अपनी माँ बोली जिसको हम बोलते हैं उसको मत भूलना, उसकी रिस्पेक्ट करना। मैं इंग्लिश को हमेशा वर्क लैंग्वेज बोलता हूँ क्योंकि मेरा काम है, मैं काम करता हूँ, पढ़ाता हूँ, उससे जो भी आता है मेरे परिवार का खर्चा चलता है। तो साफ सुथरी बात है कि रमन सर सीखेंगे कैसे। बहुत बच्चों के मन में एक डाउट है कि सर हम तो पंजाब बोर्ड में पढ़े हैं, हम तो हरियाणा बोर्ड में पढ़े, हमारा इंग्लिश का बेस सर बहुत अच्छा नहीं है। फिर क्या हो गया, आपके सामने जो पढ़ा रहा है आपको वो भी तो एक सिंपल से पंजाब बोर्ड में पढ़ा है, और आज पूरी दुनिया में वीडियो चलती है उसकी, आपका प्यार है। तो सीखा कैसे, सबसे अच्छी बात है मैं आपको शेयर करने वाला हूं सीखा कैसे। अगर आपको लगता है कि रमन सर अच्छा टेंसेस सीख के इंग्लिश आएगी, तो नहीं आएगी। मॉडल्स तो पक्का आएगी, नहीं आएगी। क्वेश्चन फैमिली सर व्हाई व्हेन नहीं आएगी। रे बाबू कहां जा रहा है, तेरा रास्ता कौन सा हो गया। तो सर आएगी कैसे ये तो क्लियर करो, आएगी बताओ। अगर आप दिल से पूछना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो ये प्रॉमिस करो वीडियो के एंड होने के बाद अगर आपको लगेगा कि ये बंदा है जो हमें सिखा पाएगा, तो चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करोगे और कम से कम 3 लोगों से करवाओगे। अगर आपको ये मेरी बात मंजूर है तो वीडियो को आगे देखना, अगर मंजूर नहीं है तो वीडियो को यहीं पे बंद कर देना। मगर मेरा प्रॉमिस ये है कि आने वाले 10 मिनट आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। आने वाले 10 मिनट में आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि अगर आप उसको अप्लाई करोगे 100% आपसे अच्छी को इंग्लिश बोल के दिखाए। तो करना क्या है, देखो सबसे पहली बात, अगर आप किसी को प्रेशर से सिखाओगे तो नहीं सीखेगा, अगर आप किसी को जोर जबरदस्ती डंडे से सिखाओगे तो नहीं सीखेगा। तो रमन सर ऐसा क्या करें कि हम इंग्लिश बोलना सीख जाए। ये देखो, इंग्लिश बोलने के लिए चाहिए एटमोस्फेयर, इंग्लिश बोलने के लिए चाहिए आपको ऐसा सराउंडिंग एरिया जो इंग्लिश बोलता हो। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, हमारे किसी भी पेरेंट्स ने हमें कभी भी गालियां देना नहीं सिखाया, नहीं सिखाया ना। ये तो नहीं है आज पापा ने बोला कि व्हाइट बोर्ड आ जा बेटे तेरे को सिखाता हूं आज 3-4 तरह की अच्छी अच्छी, कभी बोला नहीं बोला। मगर फिर भी आती है, किसी ने व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे नहीं पढ़ाया मगर फिर भी आती है, उसका कारण पता है क्या है, कहीं सराउंडिंग एरिया, किसी चाचा ताया ने निकाली सुन ली, कहीं पे यूज कर ली, अच्छी लगी और वो हमारी जुबान पे आ गई। तो वही तो चीज है, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो वही चीज है। आप सीखोगे कैसे, आपने अपने आप को एक प्रॉमिस करना है कि पूरा दिन चाहे मैं पंजाबी बोलता हूं, चाहे मैं हिंदी बोलता हूं, चाहे मैं कुछ भी कोई लैंग्वेज बोलता, आई वुड डेफिनेटली ट्राई कि मेरा एक वर्ड इंग्लिश का उसमें मिक्स हो जाए। बिल्कुल कोई प्रेशर से नहीं सिखा रहा, मैं आपको एक हैबिट बनानी सिखा रहा हूं। देखो कैसे, अगर आप एक वर्ड को हर रोज इंग्लिश में, मतलब हर एक सेंटेंस में यूज करोगे, तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छी इंग्लिश सीखोगे। और कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। कब आप ये बोल दो, मैं सवेरे सवेरे उठया, आप ये बोल सकते हो मैं मॉर्निंग टाइम उठया, आपको पता है ना मॉर्निंग सवेर होती है। उसके बाद मैं चाय पीती, उसके बाद ना मैंने टी पी थी, टी, मैंने दूध पिया, मैंने मिल्क पिया,
समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलो चाहे पंजाबी हिंदी, पर ट्राई करो छोटी छोटी चीजें यार। ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, डायमंड होता बहुत छोटा, उसकी वैल्यू देखो, समझ रहे हो ना? मतलब क्या है कि जितनी चीज छोटी होती है उसकी वैल्यू, अगर आपने शिप में एक होल कर दिया ना, आपको रिजल्ट पता है क्या होगा? होल छोटा सा है मगर रिजल्ट देखो कितना बड़ा है। एक माचिस की तिल्ली होती है ना जो, वो बहुत छोटी होती है, पूरे जंगल को आग लगा सकती है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दोगे तो 100% बड़ी चीजें ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगी। हर रोज हम कितना कुछ बोलते हैं, आप ट्राई करो उन सब में जो जो चीजें आप बोलते हो उनमें से थोड़ी थोड़ी इंग्लिश को ऐड करना शुरू करो, एक एक वर्ड को ऐड करना शुरू करो। रात मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलो, नहीं, आप एक एक वर्ड को यूज कर सकते हो। यार मैंने चाय नहीं पी, मैं टी पीता हूं। मैंने दूध नहीं पिया, मैं मिल्क पीता हूं। मैंने सुबह तो बिल्कुल रोटी भी नहीं खाई, मैं तो ब्रेकफास्ट किया। दोपहर को तो मैं कभी रोटी नहीं खाता, मैं तो लंच करता हूं। और रात को, रे बाप रे, रात को रोटी कौन खाता है? मैं तो डिनर करता हूं। ये देखिए जो ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, आपको पता है, मगर हमारी हैबिट नहीं, हमारी जुबान पे नहीं। रोटी के साथ हम क्या खाते हैं? सैलेड खाते हैं। अचार को क्या बोलते हैं? पिकल बोलते हैं। और हमने तो इंग्लिश की ऐसी तैसी कर रखी है, ये मेरे पीछे लगा ना, ये क्या होते हैं? स्विचेस होते हैं। हम क्या बोलते हैं? स्विचा। अरे भाई स्विचा ऑन कर दे, स्विचा बंद कर दे, स्विचा चला लो। सवेरे सवेरे, अरे भाई मैंने पीता बुर्च। अरे बाप रे, ये बुर्च नहीं होता रे, ये ब्रश होता है। हमारे गांव में भी बहुत लोग इंग्लिश बोलते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। उनकी बूढ़ी को क्या हो गया? अरे भाई उसको तो हार्ट अटैक आ गया। अरे भाई हार्ट अटैक इज अ वर्ड ऑफ इंग्लिश। माई डियर नियर, जो मेरे को फॉलो करते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप चाहे कुछ खाओ, चाहे पियो, चाहे पहनो, चाहे आओ, चाहे जाओ, कुछ करो, एक एक वर्ड को इंग्लिश में यूज तो करो। मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें दिखाता हूं। मान लीजिए हम सारा दिन, मान लीजिए आपके सामने कुछ चाट है, वेजिटेबल का चाट है, आप बोलोगे रमन सर बच्चे थोड़ी ना है जो आप ये कुछ सिखाओगे। पर बच्चे, अगर आपके घर में सब्जी बनी है, आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा पोटैटो बने हैं, और सबको पता है आलू को पोटैटो बोलते हैं, ये मेरे को भी पता है, आपको भी पता है, यूज क्यों नहीं करते ये बताओ? जुबान पे कैसे आएगा जब छोटी छोटी चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से यूज करना शुरू करोगे। जैसे ये पोटैटो हो गया और ये टमाटो हो गया, टमाटर, शलगम, टर्निप, बीटरूट, चुकंदर, यम, अरबी, लेडी फिंगर, अरे भाई ये तो पता होगा ना कौन सी लेडी फिंगर, भिंडी, बिटर गार्ड, करेला, पीस, मटर, जिंजर, अदरक, गार्लिक, लहसुन। अरे रमन सर क्यों बच्चों वाली बातें कर रहे हो? अरे बच्चों वाली नहीं, बहुत सोच समझ के आपके सामने बैठा हूं और ये बता रहा हूं कि आज के बाद आपके घर में कोई सब्जी बनेगी, आप इंग्लिश में उसका नाम लोगे। और याद रखना, प्रोग्रेस इतनी होगी आप सोच भी नहीं पाओगे। अपनी मम्मी को बोलो कि माता आज तो कॉलीफ्लावर खाएंगे, और साथ में मुफ्त में मम्मी भी अंग्रेजी सीख रही है, ये अच्छी बात है। मशरूम ले आओ, कैप्सिकम खाए, और ये कैप्सिकम है ना जो आपके सामने कैप्सिकम, एक बार क्या हुआ वहां पे ना, सबवे में ऑर्डर चल रहा है, सबवे, वो ना अपना ऑर्डर खुद लिखवाना होता है, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। मेरे को कैप्सिकम की इंग्लिश नहीं पता था, साथ में ना एक लड़की खड़ी थी। और एक बात और है, जब ना मैं थोड़ा पोसेसिव हो जाता हूँ, पोसेसिव मतलब पता क्या है, मेरे सामने कोई अगर मेरे को ये बोल दे कि आप रमन सर हो, मैं थोड़ा सा फील में आ जाता हूँ। फील में कैसे बताता हूँ, बताऊँ आपको? बताऊँ? जी हाँ बिल्कुल, आपको ही बताने वाला हूँ। मैं शॉप पे गया, दुकान पे गया, तो आप देखो मैंने इंग्लिश में बोला, मैं दुकान नहीं बोला, मैंने शॉप बोला, यही तो इंग्लिश है, मुंह से निकलेगी, अपने आप निकलेगी। वहां पे जो कर्ड में, दही में नहीं, कर्ड में, जो कर्ड में ना बूंदी डालते होते हैं, मैंने दुकानदार से बोला, मैंने बोला कि भाई साहब एक बूंदी का पैकेट देना। उसने बोला 20 वाला दो या 40 वाला। मैंने बोला अरे 40 की भी कोई बूंदी खाता है, 20 वाला दे। तो अचानक क्या हुआ, दो लड़कियां मेरे साथ में खड़ी थी, और एक ने मेरे को बोला कि आप रमन सर हो, आप रमन सर हो। तो मेरे अंदर का कीड़ा जाग गया, मैंने शॉपकीपर को बोला। अरे भाई मैंने दुकानदार को नहीं बोला, मैंने किसको बोला? शॉपकीपर को बोला। और मैंने उसको क्या कहा शॉपकीपर को? मैंने बोला कि आप कोई ऑर्गेनिक बूंदी नहीं आपके पास? ऑर्गेनिक?
ऑर्गेनिक, मतलब मैं तो अपनी सेहत का इतना ख्याल रखता हूँ, वो साथ वाले पे रो पा रहा था ना, इंप्रेशन डाल रहा था, और मैंने उसको ये भी बोल दिया चिया सीड्स हैं आपके पास, चिया सीड्स मतलब क्या होता है, ये होता है एक आर्टिफिशियल बिहेवियर जब आप लोगों को ये दिखाते हैं हम तो अच्छे अच्छे आइटम्स खाते हैं। मतलब क्या है बच्चे, आपने छोटी छोटी चीजों को अगर इंग्लिश में यूज करना सीख लिया तो आपकी लाइफ बन जाएगी। आप याद करोगे रमन सर क्या बात है, आज के बाद घर में कोई सब्जी बनेगी वो तो इंग्लिश में ही बताऊंगा, आज पापा लेडी फिंगर खाएंगे, अरे बाप रे कल पोटैटो खाया था, चाय में एक टी में जिंजर तो डाल दो, इंग्लिश देखना कैसे आपके मुंह पे चढ़ेगी। और याद रखना आज जिस प्लेटफॉर्म पे हूं मैं आप लोगों की बदौलत हूं, और याद रखना इंग्लिश है, इंग्लिश की बदौलत ही मैं जो प्लेटफॉर्म पे आया हूं, तो आप क्यों नहीं आप भी सीख सकते हो। जैसे वेजिटेबल के बाद ये देखो कोकुम्बर भी लिखा है, मतलब छोटी छोटी चीजें मैंने आपके लिए लिखी थी। और दूसरी चीज मैं आपको दिखाऊं, अगर ये होते हैं फ्रूट्स, खाए हैं, वाह अमीर लोग हो आप, ये भी देखो मतलब आप लोग खाते होगे ना जो मेरी वीडियो, हाँ आपको ही बोल रहा हूँ जो देख रहा है मेरी वीडियो, अरे साथ वाले को नहीं आपको ही बोल रहा हूँ, सुनो आप तो खाते हो अमीरों वाले फ्रूट, मतलब आप क्या खाते होगे कीवी, और हमारे कीवी पता कब आता है, जब किसी के सेल घट जाते हैं, जब किसी के सेल डाउन होते हैं हमारे तो कीवी तब आता है, पर आप तो बड़े अमीर लोग हो, क्या बात है, वीडियो को लाइक तो कर देना अगर अच्छी लग रही है, चीजें सिखा रहा हूँ, वैल्यू सिखा रहा हूँ ना आपको, सोना नहीं है, हाँ सो मत प्लीज, सोइए मत, हाँ बोर हो रहे हो, बोर नहीं हो ना, और कुछ सिखाता हूँ आगे, अच्छा अच्छा बताता हूँ आपको, चलिए आंखें खोलिए और स्क्रीन के सामने बैठिए, मुझे अच्छा लगेगा। जी हाँ आप ये देखिए कि फ्रूट्स में एप्पल, कल मैं सेब खाता, आज मैं सेब खाता, मैं कालू सेब खाता हूं, अरे मैं एप्पल खाता हूं, बनाना, और ये ना पूरे इंडिया में एक बड़ी बात मशहूर है, केला खाकर छिलका रोड पे मत फेंकना, कोई तिलक जाएगा, और मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं 135 करोड़ आबादी है, आज तक एक भी बंदा छिलके से तिलक के नहीं गिरा, ये सच्ची बात है, बस चल रहा है जो चल रहा है, ये पॉमीग्रेनेट, ये होता है अनार, मैंगो, आम, एप्रिकॉट, खुमानी, आलू बुखारा, प्लम, है ना, ये तो भाई अमीरों वाला फ्रूट है, मेरे को भी नहीं पता, पीच, आड़ू, हम तो ये खाते हैं, ज्यादा से ज्यादा आड़ू खा लिया, कभी कभी बब्बू गोसा भी खा लेते हैं, मतलब आप खाते हो सर कीवी, स्ट्रॉबेरी, हमारे तो कुछ थोड़े बहुत ही आते हैं, ये लीची हो गया, चेरी हो गया, ग्रेप्स हो गई, चीकू हो गया, और चीकू को ना सैपोडीला भी बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी हो गया, जामुन हो गया, रेस्परी हो गया, कोकोनट, पाइन एप्पल, फिग, अंजीर होती है ना, ये कस्टर्ड एप्पल, अरे कस्टर्ड एप्पल, सीताफल, मैं कुछ भी नहीं बोला, आपने जो सीखा मैं कुछ भी नहीं बोला, मगर ये फ्रूट है तो सिखा रहा हूं, मैंने क्या आपको बताना चाहता हूं, कोई सब्जी खा लेना, कोई फ्रूट खा लेना, रमन सर को याद करना और इंग्लिश में बोलना, यकीन करना इतनी अच्छी हैबिट डाल दूंगा ना आप याद रखोगे, सुबह सुबह आप वॉशरूम में गए कभी ये नहीं बोला टूटी खोल दी, अरे टूटी नहीं भाई, टैप होती है, बाल्टी ले आओ, बकेट होती है, साबुन हैगी या, अरे सोप होती है भाई, फुआरा चलाया, अरे फुआरा नहीं शावर होता है, बुर्श, अरे ब्रश होता है डार्लिंग, इतनी अच्छी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप ऐसे इंग्लिश सीख सकते हो, और छोटी छोटी बातें आप भी यूज करो, अपने साथ वालों को भी, अपनी फैमिली को भी बोलो, आप सीखोगे और याद रखना बहुत अच्छा सीखोगे। वॉशरूम से तोलिया है क्या, अरे भाई टावल होता है, ऐसे ऐसे इंग्लिश पकड़ूंगा मैं आपको, रसोई में आ जाते हैं, किचन में आ जाते हैं, चमचा, अरे स्पून, कौली, बॉल, और प्लेट को तो हम इंग्लिश में प्लेट ही बोलते हैं, ये बात अच्छी है, आपको आती है, मैं आपको ये कहता हूं नमक, साल्ट, मिर्च, चिली, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ कितनी चेंज करेंगे। हम कपड़े डालते हैं जैसे जुराबा, सॉक्स, बूट, शूज, वाल बाउने ने, वाल नहीं बाउने, हेयर कॉम्ब करने थे, कला एक हेयर भी हेयर, सारे हेयर भी हेयर, मतलब आप समझ रहे हो ना, मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूं कि आप हैबिट बनाओ और हैबिट आपकी जिंदगी ना बदल दे, मैं भी रमन किसी काम का नहीं, तो आपको ये इतनी शिद्दत से मैं सिखा रहा हूं ना, इसकी वैल्यू है, कुछ फोटोज ली थी, जैसे ये कुछ काम ना हम देखते हैं,
हर रोज, इनको हम इंग्लिश में टी सेट होता है, जैसे ये वेस होता है ना, या ग्रैंडफादर क्लॉक, जो बड़ा क्लॉक होता है ना उसको ग्रैंडफादर क्लॉक बोलते हैं, आर्म चेयर होती है, फ्लोर लैंप होता है, पॉट, फ्राइंग पैन होता है, चॉपिंग बोर्ड, चॉपिंग बोर्ड क्या होता है जिसपे हम सब्जियां काटते हैं, है ना, या चिमनी होगी, पिक्चर बुक शेल्फ हो गया, वाईफाई का मॉडम हो गया, कार स्कूटर बाइसिकल हेलमेट हो गया, शू शेल्फ, यहां पे शू रखते हैं, ये देखो मैंने कितने वर्ड्स आपके लिए, खड़ौने, टॉयज, कॉस्मेटिक हो गया जो आपका मेकअप का सामान होता है ना, फोटो का फ्रेम, स्मार्टफोन, माइक्रोवेव, मिक्सर, ब्लेंडर, बेबी बॉटल, मैंने क्यों आपके लिए ये लिखा है, क्योंकि आप ये इन चीजों को हर रोज बोलते हो, फिर क्यों नहीं यूज करते। पारी आगे कलर्स नेम की, और अच्छी बात बताऊं आपको, हम बहुत सारे कलर्स नेम है जिनको गलत बोलते हैं, हम क्या कहते हैं, बेबी पिंक कलर ले आओ, बेबी बेबी पिंक तो कलर ही नहीं होता बाबू, एक होता है पिंक, एक होता है रोजी, एक होता है मॉव, बहुत हल्का होता है वो पिंक होता है, मीडियम होता है जो रोजी होता है, जो गूढ़ा होता है वो मॉव होता है। स्काई ब्लू कलर खत्म हो गया, उसकी जगह पे हम एज्यूर यूज करते हैं, ए जी जेड होता है ना, जेड को जी बोलने लगे, जी टीवी, जी सिनेमा, ए जी यू आर ई, एज्यूर। तो मैं आपको सिख, और हम क्या, रेड लाल, गूढ़ा लाल, डार्क रेड, अरे अपनी इंग्लिश बना ली। पंजाब में इतने गांव नहीं है जितने लोगों ने गाड़ियों के ऊपर सरपंच लिखवाया हुआ, और एस ए आर पी एन सी एच, और ये इंग्लिश का वर्ड नहीं, बस बना लिया। आपको यही तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ भी बोलो, कुर्सी को चेयर बोलो, मेज को टेबल बोलो, छोटी छोटी, शीशा, मिरर, कंगा, कॉम्ब, आप ये बातें आपकी लाइफ बना देंगे और हमेशा आप रमन सर को याद करोगे, कमीज, शर्ट, है ना। तो मैं यही बातें, मुच्छा, मुस्ताशीज, दाढ़ी, बियर्ड, बॉडी के पार्ट आ जाओ, कमेंट में बताना, जो पेट के तो धुन्नी होती है ना, धुन्नी, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कमेंट में बताना, वेट करूंगा। और ये देखो गला, थ्रॉट, आईज, और जो आईब्रो है ना, आईब्रो इसके बीच वाली जो जगह होती है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कमेंट में बताना। जब ना पेट पर कुछ कतारियां होती है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताना। जब बारिश होती है, बारिश होती है तो मिट्टी की एक खुशबू आती है, उसको क्या बोलते हैं, अगर आपने कमेंट में बताया तो मैं आपका रिप्लाई करूंगा, अदरवाइज अगली वीडियो में मेरा सब कुछ सामने आएगा। और ये बात थी मेरी पार्ट वन की, और पार्ट टू इसका भी आएगा। अगर चाहते हो कि मैं और चीजें आपके सामने इंग्लिश में लेके आऊं तो कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दो, और पता चले कि रमन सर आपकी वीडियो आई तो मजा आ गया। वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट करके आपने जरूर बताना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसी ही वीडियोस अगर आप चाहते हो तो मेरे को बताना, मेरा हौसला बढ़ता है, और डेफिनेटली आप लोगों के लिए रमन शर्मा जी जान से हाजिर है। बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट, दिल से लव यू है आपको। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया करवा दो यार, अपने गवांडी पड़ोसी पड़ोसन सबसे करवा दो, बोलो रमन आ गया, चलो चलता हूँ, थैंक यू सो मच, लव यू, बने रहिए रमन इंग्लिश गुरु और रमन आईएलटीएस के साथ, और इसका पार्ट टू आएगा, उसमें कुछ और चीजें सिखाऊंगा, वेट करना मेरे पार्ट टू की, थैंक यू सो मच।